और चलिए आपको सीधे राजधानी रायपुर लेकर चलते हैं, जहां पर शहीद को अंतिम विदाई इस वक्त दी जा रही है। तो बीजापुर में आईडी ब्लास्ट हुआ था, आईडी ब्लास्ट में दो जवान जो थे वो शहीद हो गए थे और शहीद जवानों को अब श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो रायपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शहादत को सलाम किया जा रहा है। सीएम विष्णुदेव साय इससे पहले माना कैंप पहुंचकर श्रद्धांजलि दे चुके हैं और अब शहीदों को अंतिम सलाम किया जा रहा है, अंतिम विदाई की जा रही है। सबकी आंखें नम हैं, सभी नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं, शहादत को नमन है। बीजापुर में देखिए, ये आईडी ब्लास्ट हुआ था। बीजापुर में नक्सलियों ने नापाक करतूत को अंजाम दिया। आईडी ब्लास्ट के चपेट में आने से दो जवान शहीद हो गए थे और शहीद जवानों को अब अंतिम विदाई दी जा रही है। राजधानी रायपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। बता दें आपको कि सीएम विष्णुदेव साय श्रद्धांजलि पहले दे चुके हैं, उनके साथ ही गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी थी जवानों को और शहीद जवानों की अंतिम विदाई अब इस वक्त हो रही है। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया जा रहा है। शहादत को सलाम है, शहादत को नमन है। सबकी आंखें इस वक्त नम है, परिजन से लेकर बटालियन के सभी जवान इस वक्त मौजूद हैं। राजधानी रायपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शहीद जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। बीजापुर में ये नापाक करतूत हुई थी, शहीद जवान की विदाई में लोगों का सैलाब देखिए इस वक्त उमड़ा हुआ है। राजधानी रायपुर का रहने वाला ये जवान था, जिसकी अंतिम विदाई इस वक्त हो रही है। शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है और देखिए तस्वीरों में विजय शर्मा भी नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम इस वक्त श्रद्धांजलि सभा के बाद अंतिम विदाई में भी मौजूद हैं। सीएम विष्णुदेव साय से पहले पहुंचे थे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी जवान को। जय किसान।
चलो तैयारी करो, चलो चलो भंडरवाद यार, चलो खोल देते हैं, तो देखिए दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शहीद जवान के अंतिम विदाई की है और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो माना कैंप की उस वक्त की है जब जवान को कंधा देने खुद प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय पहुंचे थे। और देखिए एक तरफ तो लोगों की आंखें नम हैं, लोग शहीद को विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए गुस्सा जो है वो नक्सलवाद के खिलाफ कितना ज़्यादा है। नक्सलवाद के खिलाफ यहाँ पर जमकर नारेबाजी भी की गई है, नारे लगाए जा रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ। जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ जंग छत्तीसगढ़ में छेड़ी गई है, नेस्तनाबूद करने की नक्सलवाद को तैयारी है, खात्मे की तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में नक्सलियों की बौखलाहट कल बीजापुर में देखने को मिली थी। बौखलाए हुए नक्सलियों ने एक बार फिर से नापाक करतूत को अंजाम दिया, आईडी ब्लास्ट किया था। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए दो जवान शहीद हुए थे। दो जवानों में से एक जवान को राजधानी रायपुर में अब अंतिम विदाई दी जा रही है। और देखिए जवान के पार्थिव शरीर को कंधा देने खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो शहादत को सलाम है, शहादत को नमन है। देखिए ये तस्वीरें जो है बेहद भावुक कर देने वाली हैं, क्योंकि शहीद के परिजन इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और मार्मिक तस्वीरें इसलिए भी हैं क्योंकि बच्चे यहां पर मौजूद हैं, शहीद के परिवार के बच्चे हैं तमाम जो श्रद्धांजलि यहां पर दे रहे हैं, अंतिम विदाई में शामिल हुए हैं। और ये क्षण बेहद भावुक कर देने वाला है। देखिए शहीद की ये दो बेटियां हैं जो शहीद अपने पीछे छोड़ गए हैं, देश की रक्षा के लिए, छत्तीसगढ़ की राज्य की रक्षा के लिए वो कुर्बान हो गए, शहादत दे दी, लेकिन अपने पीछे अपना परिवार छोड़ गए हैं, अपना वो परिवार छोड़ गए हैं जो इस वक्त उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। दो बेटियां हैं शहीद की, एक बेटा जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, ये बेटियां अपने पिता को बेहद नम आंखों से देखिए अंतिम विदाई दे रही है। ये क्षण बहुत भावुक कर देने वाला, ये मार्मिक क्षण है। देश की रक्षा के लिए जवान शहीद हो जाते हैं लेकिन अपने पीछे जो परिवार छोड़ जाते हैं उनके लिए जीवन काटना कितना मुश्किल होता है। ये तस्वीरें आप देखिए, लोग जो है सैलाब उमड़ा हुआ, एक तरह से लोग चाहते हैं शहीद के अंतिम दर्शन कर लेना, अंतिम विदाई उनको देना चाहते हैं, हर कोई उन्हें एक बार निहाल लेना चाहता है, शहादत को नमन कर लेना चाहता है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने श्रद्धांजलि पहले दी थी, सीएम विष्णुदेव साय ने जवान को कंधा भी दिया था, लेकिन अब जो अंतिम क्रिया की तरफ प्रक्रिया है, देखिए वो अंतिम क्रियाएँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी लगभग शुरू हो चुकी है। शहादत को सलामी दी गई, श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद अब अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। तो इस वक्त राजधानी रायपुर वासी यहां पर मौजूद हैं, तमाम परिजन उनके साथ ही पुलिस बटालियन के तमाम जवान। और चलिए हमारे सहयोगी स्वप्निल गौरखेड़े हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। स्वप्निल, बेहद मार्मिक पल है, भावुक कर देने वाला ये क्षण है, शायद शहादत को सलाम है, नमन है, लेकिन दूसरी तरफ शहीद के जो परिजन है ये तस्वीरें जरा भावुक करती हैं। जी बिल्कुल, बहुत भावुक क्षण है, परिजन और पूरे जो उनके चाहने वाले हैं, शुभचिंतक हैं उनके लिए। और अभी की अगर बात की जाए तो शहीद जवान भरतलाल साहू को अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, इसके पहले राजकीय सम्मान के साथ उनको सलामी दी गई और जो तिरंगा लिपटा था उनके पार्थिव देह पर वो तिरंगा उनके पिता को सौंपा गया है। तो काफी भावुक कर देने वाला क्षण था और शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। उनके आदर्श नगर स्थित घर से जो मुक्तिधाम है वहां तक जो है बड़ी संख्या में जो है लोगों की भीड़ देखने को मिली और सबके आंसू में, सबके आंखों में आंसू छलकते हुए दिखाई दे रहे। जो हो सकता है उसके लिए पूरा करने के लिए सरकार है, जनता जिस तरीके से शहीद अमर किनारे
बाइट लो सीधा। अरे उन्होंने कहा जल्दी आम जन इस नक्सलवाद को तो धीरे से आज खारिज कर दी है, साथ ही साथ इन नक्सलियों को सहयोग करने को मेरा भी है दोस्त सहयोग करने वाले हों, किसी शहर के रहने वाले हों, इनका भी फैसला समाज करेगा मुझे ऐसा लगने लगा। सर आईडी ब्लास्ट की एक और जिसमें दो जवान घायल हुए। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर आईडी बिछा बिछा कर रखे हैं, किसके भले के लिए है भगवान जाने। जवान शहीद होते हैं तो पता चलता है, कितने सिविलियंस मारे जाते होंगे उनका पता भी नहीं चलता होगा, कितने पशु पक्षी मारे जाते हैं उनका पता नहीं चलता है, एक्चुअली खुद भी उसमें मारे जाते हैं। क्या करके रखे हैं, डिटेक्शन के लिए अलग अलग प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं, बहुत से पकड़े जाते हैं, 90% पकड़े जाते हैं, 10% पड़ी फैसिलिटीज और भी आगे बढ़ने के क्रम का 90% डिमांड के दौरान निकाल लिए जाते हैं। विज्ञान की जितनी उन्नत किस्में हैं सबको पढ़ा जा रहा है। हमारे समूचे समाज के लिए दुख का विषय है, समूचे छत्तीसगढ़ के लिए दुख का विषय है। तो राजधानी रायपुर से सीधी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर शहीद जवान की अंतिम क्रियाएं अब शुरू हो चुकी हैं, अंतिम संस्कार अब से थोड़ी देर में उनका किया जाएगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि भरत साहू का अंतिम संस्कार होना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए भरत साहू को 4th बटालियन माना पहुंचकर श्रद्धांजलि दी थी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी शहीद जवान को नमन करने पहुंचे थे। 17 जुलाई की घटना है जब बीजापुर में एसटीएफ की टीम वापस लौट रही थी गश्त थे। इस दौरान तर्रेम के पास नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया था। एसटीएफ के कांस्टेबल हैं भरत साहू जो शहीद हुए हैं, उनके साथ ही सत्येर सिंह कांगे जो कि शहीद हुए हैं, दो जवान कल शहीद हुए थे। जबकि आपको ये भी बता दें कि पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सियाराम सोरी और संजय कुमार ये चार जवान जो थे घायल थे, जिन्हें एयरलिफ्ट करके राजधानी रायपुर लाया गया था। अस्पताल में अभी उनका इलाज चल रहा है। पुलिस को दरअसल देखिए सूचना मिली थी कि बीजापुर सुकमा दंतेवाड़ा के पास दरबार डिवीज़न में नक्सली बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और इसी जानकारी के बाद एसटीएफ, डीआरजी कोबरा के साथ ही सीआरपीएफ के जो जवान थे वो मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट शर्मा जी उनसे बात करेंगे। सर काफी दुखद क्षण है आज का। जी निसंदेह, मैंने देखा कि जनता आज बहुत आक्रोशित थी, लोगों ने शहीद जवान के बलिदान पर जयकारे लगाए, उसके अमर होने की बातें कहीं, नारे लगाए, भारत माता की जयकारे हुए, परंतु विशेष रूप से नक्सलवाद मुर्दाबाद के नारे लोगों ने लगाए। और ये नक्सलवाद मुर्दाबाद जो है ये समाज के आक्रोश को दर्शाता है इस नक्सलवाद के प्रति भी। और मुझे ये बिल्कुल लगता है कि नक्सलवाद का साथ देने वाले, चाहे वो गांव के हों या शहर के हों, उनके प्रति भी अब समाज के मन में बहुत आक्रोश है। सर अब आगे किस तरह की लड़ी जाएगी, क्या स्ट्रैटेजी अब है नक्सलवाद को लेकर? नक्सलवाद की दिशा में माननीय अमित शाह जी का ऐलानिया स्टडी और माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी उनके मार्गदर्शन में सब काम कर रहे हैं। और मैं सोचता हूं कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अब तक की कार्यवाही में सबसे बड़ी कार्यवाही अभी चल रही हैं, आने वाले समय में और भी आपको इस जो लक्ष्य रखा है सर 2 साल में खत्म कर देंगे नक्सलवाद को, तो ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा 2 साल? क्षण क्षण उसी के लिए है, ईश्वर कृपा करें। बिल्कुल, गृह मंत्री विजय शर्मा जिनका साफ तौर पर कहना है कि नक्सलवाद को लेकर जो लड़ाई है वो सरकार ने तेज कर दी है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त कर दिया जाएगा। आज की अगर बात करें तो राजपुर के आदर्श नगर में जो शहीद भरतलाल साहू है उनको जो है यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है, और गृह मंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकराम वर्मा वो यहाँ पर मौजूद रहे और अंतिम विदाई देने के लिए पूरा जनसैलाब भी यहाँ पर उमड़ता हुआ नजर आया। कैमरामैन मलकीत के साथ स्वप्निल वरखेड़े, INH News रायपुर।